एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रेडीनेट में। मैं हूँ योगेश शर्मा और आज मैं बात करने जा रहा हूँ फ्री वेबफ्लिक्स डॉट कॉम के ऊपर मिलने वाले जितने अनलिमिटेड टूल्स हैं उसमें से किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में, जहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। इस वेबसाइट के ऊपर जितने टूल्स हैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको पिछली बार एक वीडियो के माध्यम से दिया था। उम्मीद है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा हो और उससे आपको कुछ सीखने मिला हो। आज जो हम बात कर रहे हैं इमेज टूल्स की, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बात की थी कि इमेज टूल्स के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर गाइड करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं इमेज टूल्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जितने भी इमेज टूल्स से रिलेटेड टूल्स अवेलेबल है वो सारे आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आप मीम्स भी जनरेट कर सकते हैं। मीम्स जनरेट करने के लिए भी आप इस टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी फायदेमंद रहेगा जो लोग मीम्स बनाते हैं उनके लिए। साथ में देखिए जैसे यहाँ पर PNG टू JPG कन्वर्टर्स, या JPG की इमेज है आपकी और आप उसे PNG में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो उसे यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें रिवर्स इमेज सर्च की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। ये टूल्स जो है वो आपके पास में कोई भी इमेज आपके पास में अवेलेबल हो, आप उस इमेज को इस यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे और देख सकते हैं कि वो जो इमेज है वो पहले कितनी बार कहाँ कहाँ पर अपलोड हुई है, इसकी पूरी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। ये काफ़ी अच्छा टूल्स है जब आप देखना चाहें कि आपकी प्रोफाइल पिक कहीं और यूज़ हुई है या नहीं हुई है, उसके रिगार्डिंग आपको ये काफ़ी प्रॉफिट दे सकता है, पता लगाया जा सकता है। इसके साथ में अगर आप किसी की प्रोफाइल के बारे में पता करना चाहें कि रियल है या फेक, तो भी आप इस उसकी जो इमेज है वो यहाँ पर अपलोड करके उस बारे में जान सकते हैं। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल एक सेपरेट वीडियो बना करके दूंगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है तो उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन बनता है तो वो हम एक अलग से सेपरेट वीडियो में करेंगे। अगर हम बात करें टेक्स्ट टू इमेज की, तो अगर आपके पास में कोई ऐसी इमेज है जिसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, उन इमेज के अंदर से आपको टेक्स्ट निकालना है, तो आप इस टूल्स की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको उस इमेज को अपलोड करना होगा। इमेज अपलोड करने के बाद में वहाँ पर जितने भी टेक्स्ट वगैरह जो इमेज के ऊपर लिखे हुए हैं वो आपके सामने कन्वर्ट होकर के आ जाएंगे और जो इमेज है वो सेपरेट हो जाएगी। इन शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि एक तरीके से टेक्स्ट और इमेज बिल्कुल फिल्टर हो जाएगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये टूल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप इसे अपने पर्पज के लिए यूज में लेना चाहें। पर्पज आपका कुछ भी हो सकता है तो वो सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं, इसलिए अब मैं उसका बेटर एग्जाम्पल नहीं दे सकता इसमें फिलहाल, बस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हैं। JPG कन्वर्टर, जैसे कि हमारे पास में PNG कन्वर्टर था, सेम उसी तरीके से JPG कन्वर्टर है। JPG में आपके पास में कोई इमेज अवेलेबल है उसे आप PNG या और किसी फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करना चाहें तो वो इस टूल के माध्यम से कर सकते हैं। फेव आइकन की बात करते हैं, फेव आइकन जनरेट करता है। फेव आइकन का काम वेबसाइट के अंदर जो बिल्कुल एक छोटा सा आइकन तैयार करता है उसके लिए होता है। जो वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं या जिनकी वेबसाइट्स होती है वो लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, वो इसे यूज़ कर सकते हैं। इमेज कंप्रेसर की बात करें तो अगर आपकी इमेज की साइज़ बड़ी है, जैसे मोस्टली इमेजेस अगर हम किसी साइट से डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर 1 MB 2 MB की हो सकती है, या फिर हम कभी फॉर्म भरने जाते हैं तो फॉर्म फिलअप के अंदर हमसे रिक्वायरमेंट मांगी जाती है कि आपको जो इमेज की साइज़ है उसे कम कीजिए, जो आपकी पर्टिकुलर इमेज की साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है तो हमारी वेबसाइट इसे एक्सेप्ट नहीं करती, तो उस केस के अंदर आप इमेज कंप्रेसर का यूज़ कीजिए। इस टूल के माध्यम से आपकी जो इमेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इस टूल के माध्यम से उसे कंप्रेस कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद में इमेज रिसाइजर की बात करें तो इमेज रिसाइज करने के लिए, जैसे आपकी कोई इमेज है आपको एग्जैक्ट साइज में चाहिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप जो इमेज किसी फॉर्म के अंदर अपलोड करते हैं तो वहां पर आपको बोला जाता है कि हमें पर्टिकुलर 512x512 इस टाइप की इमेज जो है वही चाहिए, इसके अलावा जो लेंथ है वो हमें नहीं चाहिए। या फिर हम बात करें यूट्यूब के थंबनेल्स की, तो यूट्यूब के थंबनेल एक पर्टिकुलर एक साइज में होते हैं तो हमें उस टाइप के ही इमेज की जो साइज है वो रखनी है, तो ये तय आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपकी इमेज जो है बड़ी है छोटी है तो आप इसकी जो इमेज की रिसाइज है यहाँ से कर सकते हैं। मीम्स जनरेटर, जैसे मैंने आपको बताया मीम्स जनरेट आप कर सकते हैं इस टूल्स के माध्यम से। इस वेबसाइट के अंदर आपको इतने सारे टूल्स मिल रहे हैं, इसके साथ में हो सकता हो भविष्य में और भी टूल्स यहाँ पर एड हो जाए, तो इस वेबसाइट को आप अपनी जरूरत के हिसाब से चेक करते रहें। इस वेबसाइट का एक फायदा ये भी है कि अगर इस वेबसाइट पर आप कोई टूल्स वगैरह यूज कर रहे हैं और अगर कोई लिमिट आ रही है किसी टूल्स के अंदर तो आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाइए। रजिस्टर होते ही आपको जो टूल्स की लिमिट है वो आपकी एक्सटेंड हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी और आपका काम फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 1% भी परेशानी होने वाली नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में मैंने जितनी जानकारी आपको दी है वो सारी आपके काम की होगी। आप इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ में जरूर शेयर करेंगे और इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।